उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि खेल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज प्रथम अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 1 दिसंबर से 4 दिसंबर को किया जाएगा, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री करेंगे और समापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में 12 टीमें भाग ले रही हैं। विजेता टीम को 2 लाख रुपए, उपविजेता टीम को 1 लाख रुपए और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली 2 टीम को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रॉफी एवं मेडल खेल विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022-23 में विजेता टीम आर्मी रेड, उपविजेता आर्मी रेड तथा तीसरा स्थान आईटीबीपी दिल्ली आर्मी ग्रीन की टीम ने प्राप्त किया था। यह 5वां अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें आनंद तमिल, थलाइव देवेंद्र गुजरात टाइटन, नितिन पनवार जयपुर पिंक पैंथर, राकेश घोड़ा बेंगलुरु बुल्स, अमन यूपी रुपेश तोमर तेलुगु सहित अन्य खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने कहा इस प्रतियोगिता में कोई भी टीम भाग ले सकती है, इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लिया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा, देखिए मुझे बताते हुए बहुत हर्ष का विषय है कि पंचम परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज जी के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1 से 4 दिसंबर तक अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता में देश की सर्वश्रेष्ठ 12 टीमों का चयन किया जाता है। उन टीमों का जो मैच लीग कम नॉकआउट आधार पर होता है, और मुझे बहुत बताते हुए हर्ष का विषय है कि इस प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री जी द्वारा 1 तारीख को दिन में 12:30 बजे 1 दिसंबर को किया जाएगा, और इसका समापन जो है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2 बजे किया जाएगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री जी द्वारा विजेता उपविजेता तीसरे चौथे पे जो रहते हैं उनको ट्रॉफी के साथ साथ विजेता टीम को 2 लाख रुपए, उपविजेता टीम को 1 लाख रुपए, तृतीय और चौथे स्थान पर रहने वाली दोनों टीमों को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी गोरखपुर वासियों को अगल बगल के जहाँ तक ये बात पहुँच रही है मैं अनुरोध करूँगा कि यहाँ प्रवेश निःशुल्क है, यहाँ पे आइए। इसमें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कबड्डी के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। आप लोग कबड्डी लीग देख रहे हैं, उसमें से भी कई खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रतियोगिता बहुत उच्च स्तर की होगी और जो कबड्डी खेल प्रेमी लोग हैं उनको एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। सर खिलाड़ी कहाँ कहाँ से हैं? इसमें जो है 12 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें कि पिछली विजेता आर्मी, उपविजेता उत्तर प्रदेश एकादश और साथ में आईटीबीपी और कई हरियाणा की टीमें हैं, अलग अलग राज्यों की 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं।